नमस्कार, आज हम इस वीडियो में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की क्वेश्चन बैंक जो निमी बुक में होता है उसकी जो बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस होता है उसके लेवल वन में जितना सारा क्वेश्चन है आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर वन से हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर वन क्या है, क्वेश्चन नंबर वन है देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम। कॉपर एटम की थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है या फिर 13 या फिर 18 या फिर 29 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका आंसर होगा कॉपर एटम की थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, देखो मान लो ये हमारे कॉपर एटम की न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, उसके ऊपर में यह होता है उसका फर्स्ट सेल, यह होता है सेकंड सेल, यह होता है थर्ड सेल और यह होता है लास्ट में फोर्थ सेल। तो देखो जो हमारा कॉपर होता है उसकी फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रहता है और जो फोर्थ सेल होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो क्वेश्चन में क्या है थर्ड सेल, तो थर्ड सेल में 18 या फिर 18 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ऑप्शन नंबर देखो ऑप्शन नंबर सी 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा उसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो कौन सा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो डिपेंड करता है 2n2 इसी फॉर्मूला के मुताबिक होता है। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सेल। अगर फर्स्ट सेल के बारे में कहेंगे तो 2 × n के बदले 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 1 = 2 होता है, इसीलिए फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। और अगर हम सेकंड सेल के बारे में कहेंगे सेकंड सेल, तो उसमें क्या होगा 2 × n के बदले 2 लिखेंगे, n का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2 का स्क्वायर 4 होता है = 8। तो इसलिए क्या होता है सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। और थर्ड सेल में कितना रहता है, 2 × n के बदले 3 लिखेंगे, n का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर होगा, तो 2 × 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 2 × 9 = 18। तो थर्ड सेल में हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू देखो, व्हिच लॉ स्टेट दैट इन क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। देखो इधर चार लॉ है, एक है ओम्स लॉ, दूसरा है लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तीसरा है किर्चॉफ फर्स्ट लॉ, चौथा है किर्चॉफ सेकंड लॉ। इनमें से कौन से लॉ के मुताबिक एक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में हम जितना वोल्टेज अप्लाई करते हैं मीन्स अप्लाइड वोल्टेज जितना होता है उसी सर्किट में जितने सारे वोल्टेज ड्रॉप होता है सबको अगर मिलाएंगे वो अप्लाइड वोल्टेज के साथ बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा किर्चॉफ सेकंड लॉ होता है, इसी लॉ के मुताबिक हम किसी एक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में अप्लाई वोल्टेज जितना होता है, जितना वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसी सर्किट में जितने सारे वोल्टेज ड्रॉप होता है सबको अगर मिलाएंगे वो अप्लाइड वोल्टेज के साथ बराबर होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो जो किर्चॉफ लॉ होता है वो टू टाइप का होता है, एक होता है किर्चॉफ फर्स्ट लॉ, दूसरा होता है किर्चॉफ सेकंड लॉ। जो किर्चॉफ फर्स्ट लॉ होता है उसको हम KCL किर्चॉफ करंट लॉ कहते हैं, और जो किर्चॉफ सेकंड लॉ होता है उसको हम KVL या फिर किर्चॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी किर्चॉफ सेकंड लॉ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT ऑफ थ्री रजिस्टर R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट। देखो अगर तीन रजिस्टर R1, R2, R3 आपस में पैरेलल में कनेक्शन होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। देखो मान लो ये हमारा एक रजिस्टर है, ये और एक रजिस्टर है, ये और एक रजिस्टर, तीन रजिस्टर आपस में पैरेलल में कनेक्शन है। तो ये मान लो ये हमारा R1 रजिस्टर है, ये R2 है और नीचे वाला R3 है। अगर ये तीनों रजिस्टर आपस में पैरेलल में कनेक्शन होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हम सब जानते हैं, 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा आंसर नहीं है। तो देखो 1/RT = ये है, तो RT = क्या होगा ना, RT = 1/1/R1 + 1/
आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, ये होगा उसका करेक्ट आंसर। तो टोटल रेजिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई वन बाई आर वन, वन बाय प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी देखो, आर टी इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर देखो, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस ओपन रजिस्टर आर टू। देखो ये जो फिगर है, ये जो फिगर है, इसमें एक ओपन रजिस्टर है, देखो R2 ये है ओपन रजिस्टर। इसमें अगर हम एक ओम मीटर से मेजर करेंगे तो कितना रेजिस्टेंस मेजर करेगा, तो देखो हम सभी जानते हैं जब एक ओपन सा, एक ओपन सर्किट होता है और एक क्लोज सर्किट होता है, जो ओपन सर्किट होता है इसमें रेजिस्टेंस कितना रहता है, इनफाइनाइट रहता है, और जो एक शॉर्ट सर्किट रहता है, सॉरी ये क्लोज सर्किट शॉर्ट सर्किट रहता है, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस कितना रहता है, जीरो रहता है। ये आपको याद रखना होगा, ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू इन्फाइनाइट रहता है और शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो रहता है। तो देखो अगर एक रेजिस्टर क्या होता है, ओपन रहता है, तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फाइनाइट होगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट में आता है। तो देखो ऑप्शन, देखो ये देखो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इंडिकेट इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस। अगर हम इसी ओपन आर टू रजिस्टर में एक ओम मीटर से मेजर करेंगे तो हमें इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस मेजरिंग होते हुए हम देखेंगे कि ये इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा, मेजर करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर। देखो ये जो रजिस्टर है इसका नाम क्या है, मेटल फिल्म रजिस्टर या फिर ओयर वुड रजिस्टर या फिर कार्बन फिल्म रजिस्टर या फिर कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। तो देखो इसका आंसर होगा, जो हमारा ये जो फिगर है ये हमारा ओयर वुड रजिस्टर है, मीन्स देखो इसके ऊपर में हम ओयर का वुड किया जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ओयर वुड रजिस्टर कहते हैं। जो हमारा रियोस्टाट होता है, रियोस्टाट वो भी हमारा एक इस ओयर वुड रजिस्टर में ही आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ओम्स लॉ। इधर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन में जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है वो ओम्स लॉ के रिलेटेड होता है। तो देखो हम सब जानते हैं जो ओम्स लॉ होता है उसमें क्या होता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, मीन्स अगर वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज होगा तो करंट का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, और अगर वोल्टेज का वैल्यू कम होगा तो करंट का वैल्यू भी कम होगा। लेकिन इसी फॉर्मूला से वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसी फॉर्मूला से हम डिराइव कर, जब डिराइव करते हैं तो हमें यह मिलता है, वोल्टेज इज इक्वल टू आर रेजिस्टेंस इनटू करंट, ये हमें मिलता है। इसी से देखो ये वोल्टेज हो गया, इधर जो करंट है ये मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो वोल्टेज डिवाइड बाय करंट इज इक्वल टू इधर क्या है, रेजिस्टेंस है, ये होता है ओम्स लॉ से, ये वाला फॉर्मूला आता है। तो इसमें क्या है, ये वोल्टेज है, ये करंट है और ये रेजिस्टर है। देखो ऑप्शन नंबर सी देखो, ये एक सी में करंट है, ये करंट है, वोल्टेज है, वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए देखो जो हमारा ओम्स लॉ होता है उसमें करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, ये तीनों इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन देखो, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम पर सेंटीमीटर या फिर ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर ओम मीटर या फिर ओम पर मीटर। तो इसका आंसर होगा, जो रेजिस्टिविटी होता है उसका हम सब जानते हैं, देखो जो रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइड बाय एल, ये होता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो देखो हम सब जानते हैं ये जो आर मीन्स रेजिस्टेंस, इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है, इंटू ये ए जो होता है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर का स्क्वायर होता है, डिवाइड बाय ये जो एल होता है, एल का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। देखो ये जो मीटर का स्क्वायर होता है इसका मतलब क्या होता है, देखो दोबारा देखो, ओम इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर, देन देखो ओम होता है इंटू ये जो मीटर का स्क्वायर होता है मीन्स दो मीटर होता है, एम इंटू एम डिवाइड बाई ये जो एम है एम, तो नीचे एक एम ऊपर में एक एम कैंसिल होता है, बाकी कौन रहता है, ओम इंटू मीटर रहता है। तो इसीलिए जो हमारा रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है वह क्या होगा,
ना ऑप्शन नंबर सी ओममीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस सर्किट इफ एवरी पॉइंट इज शॉर्टेड। देखो ये जो फिगर देखो, इसमें ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इस सर्किट में अगर ए बी को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ए और बी पॉइंट को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। देखो सर्किट रेजिस्टेंस विल बी जीरो होगा, या फिर सेम करंट विल फ्लो इन ऑल ब्रांचेस होगा, ये जितना सारा ब्रांच है सब में बराबर का करंट फ्लो होगा, या फिर सप्लाई वोल्टेज विल एग्जिस्ट इन इच ब्रांच, या फिर जितना सप्लाई वोल्टेज होता है सभी ब्रांच में उतना ही वोल्टेज शो करेगा, या फिर टोटल सर्किट करंट इज इक्वल टू इच ब्रांच इन द सर्किट करंट, या फिर टोटल सर्किट करंट जो सर्किट में टोटल जितना करंट होता है वो सभी ब्रांच में उतना ही करंट शो करेगा। तो इसका आंसर होगा जो हमारा जब हम ए बी पॉइंट को शॉर्ट सर्किट करते हैं तब तो क्या होता है ना, सर्किट का रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं शॉर्ट सर्किट के टाइम रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो होता है और ओपन सर्किट के टाइम रेजिस्टेंस का वैल्यू इन्फाइनाइट होता है। यहाँ पर ए बी पॉइंट को अगर शॉर्ट सर्किट करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, करंट इंटू टाइम होता है, या फिर वोल्टेज इंटू करंट होता है, या फिर करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, या फिर वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस होता है। तो हम सब जानते हैं जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है इसको हम चार्ज भी कहते हैं, चार्ज क्यू, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी, आई मीन्स करंट, टी मीन्स टाइम। तो करंट इंटू टाइम देखो ये ऑप्शन नंबर है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम चार्ज कहते हैं, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी मीन्स करंट इंटू टाइम, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, मो होगा या फिर ओम होगा, या फिर ओम मीटर होगा, या फिर ओम बाय मीटर होगा। तो देखो हम सब जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है उसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है, लेकिन जो कंडक्टेंस होता है ये रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है, 1/R जो होता है वो होता है कंडक्टेंस। इसीलिए जो यूनिट होगा वो भी 1/ohm होगा, 1/ जो ओम होता है इसको हम मोह भी कहते हैं। तो इसीलिए जो कंडक्टेंस होता है उसका यूनिट क्या होगा, मोह होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच वन डिफाइन द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड इनमें से किस कौन डिफाइन करता है, टेम्परेचर इफेक्ट, या फिर लॉ ऑफ टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, या फिर टेम्परेचर कॉफिशियंट। तो इसका आंसर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टेम्परेचर कॉफिशियंट होता है यही डिफाइन करता है रेजिस्टेंस इन ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड, चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी रेजिस्टेंस में भी चेंज होता है, तो कितना टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस में कितना चेंजेस आता है वही होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम पर सेंटीमीटर, या फिर ओम पर मीटर स्क्वायर, या फिर ओम मीटर, या फिर माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है इसका यूनिट क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी ओम मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है इसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, और जो रेजिस्टिविटी इसको रो से डिफाइन करते हैं। और इससे पहले क्वेश्चन था जिसमें रो का यूनिट क्या होता है, ना रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ना ओम मीटर होता था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखो, व्हिच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ डीसी सर्किट। एक डीसी सर्किट की पावर को ये चार फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला डिफाइन करता है, वोल्टेज इंटू टाइम, या फिर करंट इंटू वोल्टेज, या फिर करंट इंटू रेजिस्टेंस, या फिर वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर देखो, हम सब जानते हैं पावर पी इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो देखो वोल्टेज इंटू करंट, ऑप्शन नंबर बी, एक डीसी सर्किट की पावर क्या होता है,
वोल्टेज इंटू करंट, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर हम ये डीसी सर्किट के लिए होता है, अगर हम एसी सर्किट के बारे में कहेंगे तो उसमें क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर, या फिर उसको कॉस थीटा भी कहते हैं। क्योंकि एसी में क्या होता है, करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल रहता है, लेकिन डीसी में करंट वोल्टेज के बीच में कोई भी एंगल नहीं रहता है, जीरो डिग्री होता है। तो इसीलिए डीसी सर्किट में पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन एसी सर्किट में वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा होता है, ये जो कॉस थीटा होता है ये पावर फैक्टर भी कहा जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। देन देखो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कॉपर कंडक्टर। जो कॉपर कंडक्टर होता है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है, या फिर रेजिस्टिविटी का वैल्यू कितना है। तो देखो इसका आंसर होगा, जो कॉपर कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू 1.72 माइक्रो ओम। ये देखो ये वाला होगा, इसमें जितना सारा आंसर है कोई भी करेक्ट नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। लेकिन क्या होगा ना, जो ओम पर मीटर है, अगर ये ओम इंटू मीटर लिखेंगे तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन ये चारों में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। तो आंसर क्या होगा, 1.72 माइक्रो ओम इंटू मीटर होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। ये था लेवल वन का जितना सारा क्वेश्चन था, 14 क्वेश्चन था, उसको हम इस वीडियो में डिस्कशन किए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले क्लास में हम लेवल टू का भी डिस्कशन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।